हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, और हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छा अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। इसी होप के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी हम अपनी रीडिंग की का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, आज जो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जैसा कि एज यूजुअल होती है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे, जो मुझे वाइब्स आ रही थी कि मुझे आज इस पे रीडिंग बनानी है। ये टॉपिक जो है मुझे डिवाइन की द्वारा ही सिलेक्ट हुआ है, दो हुए हैं, दो रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है? चलिए भगवान जी, एक बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए। आज रीडिंग का टॉपिक है कलेक्टिव्स के लिए कि क्या आप की लाइफ में, मतलब जो करंटली आपकी लाइफ किसी ब्लैक मैजिक या स्पेल या फिर कोई भी बुरी नज़र या कोई इन्वियस है आपसे, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, या किस टाइप की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि इनकी लाइफ में क्या इनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, या कोई स्पेल, कोई नज़र है, किसी की बुरी नज़र। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये रीडिंग भी मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग ही बना रही हूँ, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। कहते हैं ना, मॉर्निंग का जो ऑरा होता है बड़ा पॉजिटिव होता है, तो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि करंटली जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल, कोई बुरी नज़र, ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे ना, फोर ऑफ कॉइन्स जो है रिवर्स आया, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। पहले निकाल लेते हैं कार्ड, टेन ऑफ कॉइन्स। ओके, टेन ऑफ कॉइन्स, हाँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, इसका मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, और बताइए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं कलेक्टिव जनरल, जो मेरी व्यूअर्स फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, क्या इन लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल किया गया है, जिसके कारण जो है इनकी लाइफ जो है अफेक्टिव है। मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी किसी कार्ड को क्लैरिफाई करने की। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट, जो अपराइट आया है। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स रिवर्स आया, पेज ऑफ कॉइन्स भी आ गया है और एस ऑफ कॉइन्स भी आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कितनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मतलब जो आज प्रोमिनेंट जो साइन है, ये आपका साइन हो सकता है। कार्ड आपको प्रॉपरली दिख ही रहे होंगे शायद, ये आपका साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, मतलब पेंटिकल की एनर्जी जो है प्रोमिनेंट है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है डेथ का। ओके जी, बॉटम में मुझे मिला सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, वैसे तो ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे तो कोई ये नहीं आया कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, ठीक है? लेकिन जो मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आपके ऊपर 100% किसी की बुरी नज़र है, जो आपसे इनवियस है, जो आपके आपके मतलब ज़्यादातर मुझे यहाँ जो वाइब्स मिल रही है, आपकी सक्सेस और आपकी जो मॉनेटरी कंडीशन है, पैसा, मतलब आपका बिजनेस या आपकी जॉब, ये वही लोग हैं जो शायद आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। यहाँ बॉटम में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, वैसे मैं क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन अभी तक जो मैं पढ़ पाई हूँ, वो जो मुझे नज़र आ रहा है, उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं दूसरे डेक से। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो कलेक्टिव्स हैं, क्या इनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मुझे ये
पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कॉइन क्यों आया, पेज ऑफ कॉइन क्यों आया मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव रीडिंग में, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल या नज़र है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया। ओके देख लीजिए, फिर बंधन का कार्ड आ गया। प्लीज़ डिवाइन और बताएं, यहाँ पे आया है नेक्स्ट कार्ड फोर ऑफ कॉइन्स रिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल है, हमारा टॉपिक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों आया भगवान जी बताइए। ओके सेवन ऑफ कप्स रिवर्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी यहाँ पे साइन आ चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि यहाँ पे टेन ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, टेन ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पे, जब हम जानना चाह रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल या कोई दोनों आ रहे हैं। मैं दोनों ही ले लूँगी, ठीक है। चलिए और बताएं भगवान जी, यहाँ पे डेथ का कार्ड है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, स्पिरिट्स, सपोर्टिव स्पिरिट्स, प्लीज़ हमें बताइए यहाँ डेथ का कार्ड क्यों आया है। ओके प्लीज़ डिवाइन बताएं। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स भी आया लेकिन रिवर्स आया, एस ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पे, जब हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल या बुरी नज़र है किसी की। फिर से फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो लेकिन इस बार अपराइट आया है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का, प्लीज़ डिवाइन बताएं। चैरियट का कार्ड, जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल किया गया है, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों आया है, चैरियट का कार्ड क्यों आया है। चैरियट को क्लैरिफाई किया सिक्स ऑफ स्वॉर्ड ने रिवर्स। ओके जी चलिए मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँ। यहाँ पे क्या आया था, दो बार चैरियट आया है। ओके देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करने के लिए चैरियट आया रिवर्स। ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड, चलिए अब हमें काफ़ी हद तक आपकी कहानी जो है, आपकी जो जो हमें दिख रहा है कि क्या वाकई आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कोई स्पेल कर रखा है जी, बिल्कुल यही निकल के आया है कि आपके ऊपर देखो अगर किसी ने स्पेल नहीं भी किया, ठीक है, ये नहीं होगा कि सबके, कुछ लोगों के ऊपर स्पेल किया है डायरेक्ट जो कि आप लोग आगे ना बढ़ें, आप लोग फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियली या फिर कुछ लोगों के यहाँ पे मतलब इमोशनली जो मतलब रिश्तों में ही किसी ने कुछ किया है जो वो चाहते हैं कि आप नहीं आगे बढ़ें या कैसे भी, मैं आपको पूरी बताती हूँ एक मिनट ज़रा वेट व्यूअर्स, मैं इनको ना थोड़ा ऐसे कर लूँ ताकि मुझे भी क्लियर दिखे। ओके जी देखिए पहला कार्ड यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड होता है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर कुछ ऐसा करके इस इंसान को ऐसा बना दिया गया है कि वो हमेशा से जो अपनी सोच अपने थॉट्स अपनी जो एबिलिटी अपने इंटेलिजेंस, क्योंकि स्वॉर्ड्स आपको पता है स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स हमारे जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो हम विचार अपने हमारे अंदर आते हैं उन सबको बताता है। तो यहाँ पे किसी ने जो बंधन करके कि आप अच्छा जो है आप एक पेज की एनर्जी में रहें, ठीक है, आप एक पेज की एनर्जी में रहें और आप अपने आसपास जो इतना फ्रूटफुल मतलब जो आपका फ्यूचर है वो एक इनसिक्योरिटी में बदल जाए। फोर ऑफ पेंटिकल्स वो एक इनसिक्योरिटी में बदल जाए, ठीक है। चलिए मैं अब आपको कार्ड्स, मैंने टॉरस वर्गो साइन आ रहे हैं यहाँ पे, वॉन्ड्स नहीं है, बस आज वॉन्ड्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड जो हैं मतलब बता रहे हैं जो मैं वो बताऊंगी, अब मैं कार्ड्स नहीं बोलूंगी कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से मतलब आपको जो है बांधा गया है कि आप जो है अच्छा सोच ना पाए, ठीक है, और अगर सोच लें अगर आइडियाज़ आपके मन में या फिर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है मतलब एक नेगेटिव हो जाए, मतलब नेगेटिव आस्पेक्ट, जैसे मान लो कोई काम करने लगे हैं स्टार्ट करने लगे हैं तो पहले ही आपके मन में आ जाए कि हाय नहीं पता नहीं हो पाएगा या नहीं, इस टाइप से आपको सॉरी
इस टाइप से आपको जो है एक ट्रैप्ड कंडीशन में किया गया है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कोई जैसे होते हैं ना कंपिटिटर, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका कुछ लोगों के केसेस में कंपिटिटर है, कुछ लोगों के केसेस में वो इंसान है जो किसी टाइम आपसे उसका एक प्यार का रिश्ता रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से था, चाहे दोनों तरफ से था, चाहे एक तरफ से था, ठीक है जी। ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, देखो जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूंगी। टेन ऑफ कॉइन्स, देखिए अगला नेक्स्ट कार्ड जो है फोर ऑफ पेंटिकल रिवर्स के बाद टेन ऑफ कॉइन्स आया था, जो हमें ये बताता है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक फैमिली का कार्ड भी होता है, एक कंप्लीशन का कार्ड भी होता है, ठीक है, जिसको क्लैरिफाई किया कि यहाँ पे ये क्यों आया चैरियट रिवर्स करके, कि मूवमेंट जो है आपकी जो प्रोग्रेस है, क्योंकि चैरियट उसको क्लैरिफाई करा और रिवर्स आके कि आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, मतलब जहाँ पे आप देखो पैसे से ही हर चीज़ जो है फैमिली को एक साउंड किया जा सकता है, ठीक है, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है करियर का जो है आप फैमिली से ही शुरू होता है, ठीक है ना। अगर हम घर से ही दुखी होंगे तो बाहर कैसे अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, जो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, और यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स रिवर्स को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स ने। तो ये जो है ये वो आपका कोई एक्स हो सकता है, जो इंसान को पता है कि आप जो है योग्य हैं, मतलब आपके अंदर वो सारी हस्बैंड वाइफ बनने की सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है, या फिर ये इंसान पास्ट में आपको अपनी वाइफ या प्रेमिका कह लो बनाना चाहता था, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है जी। अब देखो जिसको जिसके साथ रेजोनेट, आप खुद को आपकी जो इंट्यूशन होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही होती है कि ये मैसेज जो है मेरे लिए है ये, और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इससे इसके ऊपर आप कोई फैसला नहीं ले सकते, ये एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं या फिर इंट्यूशन कह सकते हैं, तो ये उसके आधार पर ये रीडिंग होती है। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का, जिसको सिक्स ऑफ स्वॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि एक कुल टोटल मिला के यहाँ मुझे यही लग रहा है कि इस इंसान को लगा कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएंगे, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इसको छोड़ देंगे। एक ये इनसिक्योर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इनसिक्योरिटी, मतलब फोर ऑफ पेंटिकल जो इनसिक्योरिटी का कार्ड होता है वो दो बार आया है, एक बार रिवर्स आया, एक बार जो है अपराइट आया, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी के चलते, चाहे वो आपका कोई प्यार करने वाला है, ये आपकी कोई फैमिली में भी कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक्स लव पार्टनर ही हो कोई, ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है जिसको पता है कि आप मतलब एक जैसे कहते हैं ना वेल टू डू हैं, आप अच्छा कर जाएंगे लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही इंसान है जो आपको अच्छा, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि उन पे ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, ना ही कोई किसी तरह का भी कोई स्पेल भी नहीं किया गया है, लेकिन बुरी नज़र है, मतलब उस इंसान की नज़र है, ये इंसान जो है इसको लगता है कि आप जो है अब इस इंसान को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हो और ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, और इस वजह से इस इंसान ने आपको बांध दिया है। देखिए ये कोई प्लेफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो आपकी लाइफ में पहले से इन आउट वाली एनर्जी नज़र आ रही है, नाइट ऑफ सॉर्ड, ठीक है, ये वो एनर्जी है जो अपनी फैमिली में, इसकी एक कंप्लीट फैमिली है, ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है जो अपन मैरिड है, बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स को फोर ऑफ पेंटिकल्स ने फोर ऑफ पेंटिकल्स दो बार आया है यहाँ पे, मतलब ये जो किया गया है वो एक इनसिक्योरिटी के चलते ज्यादा जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, कि
आप जो है कहीं आप बहुत अच्छा जो है करके इस इंसान से आगे ना बढ़ जाएं या इस इंसान को लेट गो ना कर दें, ठीक है। तो ये आपको अपनी लाइफ, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको जो है कुछ लोगों के केसेस में सिर्फ इसलिए कि आप उसकी लाइफ में रुके रहें, मतलब आप, और कुछ लोगों के केसेस में उनकी प्रोग्रेस। क्योंकि वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पेंटिकल पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मतलब जैसे किसी को तो ऐसे है जिसने किया है कि किसी को तो ये डर है कि आपको फैमिली में बड़ा पूछा जाता है या आपकी बड़ी कदर है, ठीक है। तो और शायद उस इंसान को इतना नई प्रायोरिटी दी जाती, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जो जिसको लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली है, बच्चे हैं और पैसा भी है, लेकिन मेरे पास वो खुशी नहीं है जो मैं इस इंसान में, इसको हर टाइम एनर्जाइज, इतना एनर्जेटिक और इतना जो है मतलब एक एम्बिशियस देखता हूँ, हमेशा खुश देखता हूँ, ये वो इंसान भी है, ठीक है जी। देखिए डेथ के कार्ड को क्वीन ऑफ पेंटिकल ने किया है, जो मुझे ये लग रहा है ये जैसे इस ये कोई आपका, जैसे जैसे मैंने एक्स का बोला था, ये वो भी हो सकता है जो पास्ट में आपका पति या पत्नी था, ठीक है, या थी, ठीक है, जिसने आपके ऊपर आपको एक जैसे स्पेल करके आपको अपनी लाइफ में, जैसे कोई लाइट स्पेल, जैसे कोई कैंडल जला के या इस टाइप से उसको, क्योंकि वो इंसान आपके साथ आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि उसको आपकी इंपॉर्टेंस का पता लगा कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, मतलब यू हैव एवरीथिंग, और अगर आप इस इंसान की लाइफ में होगे तो इसकी लाइफ में भी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये वो इंसान, ये आपका कोई एक्स जो पति या पत्नी जैसा कि मैंने बोला, या फिर आपका कोई एक्स इस टाइप से, ये आपको एक तरह से अपनी लाइफ में रोक, मतलब दोबारा से, जैसे कहते हैं ना कि इसको पता है कि इससे गलतियां हुई हैं या आप इसकी लाइफ से जा चुके हो, देखो ना आप ये लेडी कैसे जा रही है, लेकिन इस जो पेड़ के अंदर यहाँ पे कोई और औरत है, दूसरा दूसरी औरत है, देखो अगर इसका साया होता तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रही होती। तो यहाँ पे कोई, ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसे मिल रहा है कि उनकी कोई कलीग सॉरी कह रही हूँ, कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड भी है जो आप पे बुरी नज़र रखती है और आपको स्पाई करती है। ये कोई फीमेल फिगर मुझे नज़र आ रही है जो आपको स्पाई करती है और आप पे नज़र रखती है, और हो सकता है पहले ये आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और अब जो है दोस्ती टूट चुकी है, ठीक है। फोर दे, अब देखिए यहाँ पे एस ऑफ कॉइन को फोर ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई की है, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स तो पहले ही उल्टा हो चुका है। एस ऑफ कॉइन एक स्टेबिलिटी का, एक किसी को कुछ देने का, ठीक है, एक ऑफर का कार्ड होता है, एक प्रपोजल का कार्ड होता है, ठीक है। तो इस इंसान को लगता था कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको आपको बहुत कोई भी इंसान आपको पालेगा और ले जाएगा, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, ठीक है जी। और नेक्स्ट है यहाँ पे चैरियट का कार्ड जो अपराइट आया और जिसको क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ सॉर्ड ने, मतलब आपका जो मूवमेंट है, आपका जो लेट गो करना, आपका जो छोड़ के चले जाना, वो रुक जाए, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है, चैरियट चैरियट का मतलब ग्रोथ, आपका लाइफ जो एक तरह से पूरी तरह आपने खुद को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, वो रुक जाए, इस वे में इस इंसान ने आपको जो है रोका है, एक तरह से रोका है इस तरह से, ठीक है। और बताएं भगवान जी, लेकिन ये कंफर्म है कि ये चाहे आपका कोई दोस्त या चाहे आपकी कोई सहेली है या फिर आपका कोई पास्ट पार्टनर है, लेकिन ये इंसान वही है जो जिसने आपको मैनिपुलेट किया है, जिसने आपको आपके साथ अच्छा नहीं किया है। कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि इसने आपको जो है मतलब एक फॉर ग्रांटेड लिया है और कहीं ना कहीं आपको मतलब एक जैसे उलझा के रखा है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से जिंदगी में लाना भी नहीं और पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं। ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जो अपनी लाइफ में भी काफी गलतियां, काफी मेच्योर
गलती कर चुका है, मतलब गलतियां कर चुका है, ठीक है, ये वो इंसान है, ये वही इंसान है जो किसी टाइम आपसे प्यार करता था। देखिए नेक्स्ट, टू ऑफ कप्स, और आज भी आपसे प्यार करता है। यहाँ पे टोटली वही एनर्जी निकल के आई है कि आपके ऊपर उसी इंसान की नज़र है जो आपसे अब जो है म्यूचुअली प्यार करता है, और प्यार करता मतलब आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। इसको लगता है कि आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे आप अलग जगह मैरिड हैं, चाहे आप इसी से मैरिड हैं, चाहे फिर आप वैसे ही प्यार करते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप जो है आपके अंदर बचपना है, मतलब आपके अंदर भी ये इंसान यही देखता है कि आप, आपको अगर कोई भी बहका देगा तो आप बहक जाएंगे, या फिर आप जो है उसकी तरफ हो जाएंगे, ठीक है। टावर का कार्ड रिवर्स है, ये वो इंसान हो सकता है जिससे आपने इस टाइम नो कांटेक्ट में है, ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट, एक लेस कांटेक्ट का जोन है, ठीक है, या नो कांटेक्ट में है या फिर लेस कांटेक्ट के जोन में है। पेज ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आया था, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो ये शायद वो इंसान है जो आपको कहीं, इसको पता है कि आपने कहीं और इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप अपने इमोशंस कहीं और इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप जो है ये आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है जिससे आपका कोई मतभेद लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उस इंसान ने, उस इंसान को पता है कि आपकी लाइफ जो है एक तरह से चेंज, आप खुद भी चेंज हो गए हैं और आपकी लाइफ, आपने काफ़ी प्रोग्रेस, चैरियट का कार्ड है, आपने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, तो आपको तो जैसे कहते नहीं कि चाहे एक रिलेशनशिप में, मैं वो प्यार वाली नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ, चाहे भाई बंधु मतलब रूप में या कैसे भी, आपके तो बहुत सारे जो एक फॉलोअर हैं, आपको कई लोग जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेल या मैजिक या जो आप पे नज़र रखी जा रही है, बुरी नज़र, आपको एक नज़र लगाई जा रही है, वो आपसे इनवियस होके, कुछ लोगों के केसेस में इनवियस होके, कुछ लोगों के केसेस में प्यार के वशीभूत होकर, ठीक है जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई स्पेल। देखो स्पेल एक तरह का नहीं होता, स्पेल कई तरह के होते हैं, किसी को जैसे एक बार बार, जैसे किसी ने किसी को बता दिया कि भाई बार बार वो चीज़ यस में बोलने से मैनिफेस्ट होती है, तो हो सकता है वो इंसान आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको स्पाई भी कर रहा है साथ में, तो वो भी एक नज़र ही हो गई ना, ठीक है, कि आप उसकी नज़र में हैं, कि आप जो है किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे लें, ये इंसान आपकी खबर रखता हो सकता है। देखिए ये वो इंसान नहीं है जो मतलब आपका बुरा करना चाहता है, ये वो इंसान है जो आपको चाहता है होल्ड करके रखना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में रोकना चाहता है। ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, मतलब फैमिली मेंबर बहुत नियर ना हो के, चलो नियर भी हो सकता है, वैसे तो देखो फैमिली मेंबर मीन्स फैमिली मेंबर, शायद जिससे आपका कोई मनमुटाव हुआ है और जिसको पता है कि बहुत लोग हैं आपको, आपको मतलब बात करने के लिए या हेल्प करने के लिए या आपकी कंपनी देने के लिए, तो ये वो इंसान है जिसने आपको बांधने की कोशिश की है, ट्रैप करने की कोशिश की है, क्योंकि उसको पता है कि आपके अंदर जो है ना एक बचपना, एक इनोसेंसी है, बचपने से भी ज़्यादा इनोसेंसी है, कि आप जो है आपको कोई भी अपनी बातों में फंसा सकता है, ठीक है, फंसा सकता है, या मैं ये नहीं कहती कि किसी गलत उसमें, मतलब कहने का मतलब कि आपको वो अपनी तरफ कर सकता है, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो हमारा टॉपिक जो था वो रीडिंग हम, मैं आपको दे दी है जो मुझे चैनल हुआ था। देखिए यहाँ पे बॉटम में जो है सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आपको लगेगा कि भाई ये सब कुछ तो अब इससे तो मेरी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी या बुरी हो जाएगी, जो ये ब्लैक स्पेल या मैजिक, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये जो है एक इनवियस और जेलस में बड़ा फ़र्क होता है। इनवियस होता है कि एक इंसान आपके जैसा बनना चाहता है, ठीक है, जेलस आपसे जेलस हो रहा है, आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ ये इंसान वो है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छा है, ये इसके लिए बुरा नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं और इसको पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब इसको आप लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ये वो इंसान है, ठीक है जी। ये इंसान आपके साथ जो है चाहता है कि आपसे रिश्ते अच्छे हो जाएं, आपसे कम्युनिकेशन हो, ठीक है, आप भले ही अपनी लाइफ में, आपके पास काफी कुछ, इसको पता है कि अभी थोड़े टाइम अगर
नहीं आज नहीं भी है तो कल आप जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। ऑब्सेस्ड है आपसे कहीं ना कहीं, और चाहता है कि आपके साथ ये भी काम करे और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर। और मुझे बताएं कि इस तरह से रीडिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये कि थोड़ा मेरा ये इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊं, जो जैसे मैंने ये अपना कैमरा सेट करा हुआ है। तो देखेंगे आगे, कोशिश करेंगे कि इसको भी सही करने की, कि आपको सारे कार्ड्स भी दिखें। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।